तो आप लोग देखेंगे इसमें कलन विधि से एस इज इक्वल टू एम क्यू प्लस आर रहा, इसमें जो आर है वो जीरो से बड़ा या बराबर, लेकिन एम से क्या होगा ये छोटा रहेगा। अब इसमें से आर की वैल्यू निकाली तो एस माइनस का एम क्यू हो गया ये, और ए की पावर आर की वैल्यू निकाली तो ए की पावर आर, आर की जगह लिख दिया एस माइनस एम क्यू। अब आप देखो इसमें जो एच है वह है जी का क्या है उपग्रुप है, क्योंकि एच जी का उपग्रुप है। तब एच क्या है जी का उपग्रुप है, तब यहां जो ए की घात एम है वो एच का एलिमेंट है, और ए की घात जो एस है वो भी क्या है एच का एलिमेंट है। ए की पावर एस बिलोंग्स टू एच कॉमा ए की पावर एम है ये भी एच का एलिमेंट। इसका मतलब हम लिख सकते हैं अगर ए की पावर एस है ये एच का एलिमेंट है, और ए की पावर एम है वो एच का एलिमेंट है, और एच क्या है सब ग्रुप है, तो इसका मतलब ए पे जो माइनस एम है वो भी एच में बिलोंग करेगा। इसको हम लिख सकते हैं अगर ए एस बिलोंग कर रहा है एच में, तो यहाँ ए पे जो माइनस एम है इस पे घात अगर हम क्यू करें तो ये भी एच में बिलोंग करेगा। अब आप देखेंगे इस आधार पर कि ए की पावर एस बिलोंग्स टू एच कर रहा है और ए की पावर माइनस का जो एम क्यू है, यानी इसको लिखें अगर हम यहाँ ए एस बिलोंग्स टू एच कॉमा ए की पावर माइनस एम क्यू बिलोंग्स टू एच, तो एच सब ग्रुप है ना, तो सब ग्रुप की कंडीशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं ए एस इंटू ए माइनस एम क्यू ये बिलोंग करेगा एच में। तो इसका मतलब रहा ए की पावर जो एस माइनस एम क्यू है यह बिलोंग करेगा एच में, लेकिन यहां से देखिए ए की पावर एस माइनस एम क्यू किसके बराबर है, ए की पावर आर के बराबर है, तो इसको लिख दोगे ए की पावर आर बिलोंग्स टू एच। अब देखो आप लोग यहां कि ये जो आर है ना, आर यहां जो आर लिखा हुआ है वह आर एम से छोटा है, मतलब जो आपसे ग्रुप के बारे में बात की थी कि जी इज इक्वल टू वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू ओमेगा फोर जो भी था, और एच इज इक्वल टू जो आपने लिखा ओमेगा फोर ओमेगा फाइव इस तरह से। तो आप देखिए जो एम था, एम तो ऐसे समझो जैसे कि आपके पास चार का अंक है, तो एम तो ऐसे समझो जैसे कि आपके पास कितना है चार का अंक। तो अब क्योंकि एम जो वैल्यू है एम और आर, यानी देखो आर क्या है एम से छोटा है, और हम कह करके चले हैं कि m एक ऐसा न्यूनतम, m इस प्रकार का न्यूनतम गुणांक है कि एक ही घात m करने पर ही h में बिलोंग कर रहा है। लेकिन अब देखो हमने क्या किया कि m से छोटा तो और भी है r, m से छोटा तो और भी है ये r, वो भी इस h में बिलोंग कर रहा है एलिमेंट। तो इसका मतलब ये तो तभी हो सकता है जब इस r का मान क्या हो जीरो हो, आर का मान जैसे ही जीरो होगा तो ये तत्समक की कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि ये एलिमेंट फिर तत्समक हो जाएगा, और तत्समक तो फिर होगा ही उस एच में सब ग्रुप है। तो हम ये कह सकते हैं जो कि तभी संभव है, जो कि तभी संभव है यदि आर इक्वल टू जीरो हो, और अगर आप r की वैल्यू जीरो रखोगे s इज इक्वल टू एम क्यू में, तब s इज इक्वल टू एम क्यू प्लस आर, या s इज इक्वल टू एम क्यू आर की वैल्यू जीरो रख दी, अगर s इज इक्वल टू एम क्यू हो गया तो यहां a की पावर जो s होगा वो a की पावर एम क्यू बनेगा, यानी a की पावर एम क्यू को a की पावर m की पावर q लिख सकते हैं, और ये है ए की पावर एस के बराबर। लेकिन देखिए ए की पावर जो एस है वह एलिमेंट तो एच में बिलोंग कर रहा है, ए की पावर जो एस एलिमेंट है यह बिलोंग कर रहा है एच में, समझे, ए की पावर एस है वो बिलोंग कर रहा है एच में, और ये जो एलिमेंट है वो ए की पावर एस के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ ए की पावर एम की पावर क्यू है वो भी एच में बिलोंग करेगा, अर्थात ये जो ए की पावर एम था, ए की पावर एम था वह भी तो एच का ही अवयव था ना, देखो ए की पावर एम है वह भी तो एच का ही अवयव है,
अगर ए की पावर एम, ए की पावर एम इसी एच का अवयव है, तो देखो ए की पावर जो एम है इस पर पूर्णांक घात कर रहे हैं तो भी वो एच का अवयव आ रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एच के सभी अवयव ए की पावर एम की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं, और जब इस कंडीशन में लिखे जा सकते हैं तो हम कह देंगे कि ए की घात एम है वह एच का जनक है। तो आप लोग क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लें, अभी दो लाइन और लिखनी है आप लोगों को, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हम यहां कह सकते हैं कि अतः एच के सभी अवयव ए की पावर एम की पूर्णांक घात के रूप में की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। और जब ये इसकी पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं इसमें कि जो ए की पावर एम है एच का जनक होगा, तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो चक्रीय ग्रुप जी था उसका जो उपग्रुप है H वह भी क्या होगा, चक्रीय होगा, क्योंकि एक ही पावर M H का जनक है, तो जो H है वो चक्रीय ग्रुप होगा। इसीलिए H एक चक्रीय ग्रुप है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, जो भी लिखा हुआ है आपके सामने, इसी आधार पर एक और थ्योरम देखेंगे इससे जस्ट अगली। देखिए प्राइम जो नंबर होते हैं ना, प्राइम नंबर जिनको आप अभाज्य संख्या कहते हो, इनको रूट संख्या भी कह देते हैं, रूट कहते हो या अभाज्य या फिर प्राइम नंबर। अब जो प्राइम नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो आपस में किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते, या जिनके फैक्टर या तो वन होते हैं, यानी जो क्या है कि या तो खुद से डिवाइड होगा, कोई भी नंबर प्राइम कहलाता है, या तो वो खुद से डिवाइड होगा और या फिर वन से डिवाइड होगा, या तो क्या है वो खुद से डिवाइड होगा और या फिर वह वन से डिवाइड होगा, तो वो प्राइम नंबर रहते हैं। अब देखो इसमें जो अभी एक थ्योरम कराने जा रहे हैं, एक कंडीशन आएगी एम एन। अब एम एन इक्वल टू वन, इसका मतलब है एन और एन दोनों ही आपस में क्या है कि डिवाइड नहीं करते किसी भी कॉमन नंबर से, यानी एम एन का मतलब ये है अगर एम सेवन है तो ये थ्री क्या है, ये एम थ्री एन की जगह है, तो देखिए इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अर्थात दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या है वन हो, प्राइम नंबर रहेंगे। अब जो थ्योरम है उसे प्रूव करने के लिए एक आपने बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में एम एन इज इक्वल टू वन, इसके लिए एक केस था, वो था कि एम एन इज इक्वल टू वन हो, यानी एम और एन दोनों प्राइम नंबर हैं, तो इसके लिए ये कंडीशन होती है कि एक्स और वाई दो इंटीजर नंबर या दो पूर्णांक इस प्रकार से होते हैं कि एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू वन, एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू वन, तो ये कंडीशन है प्राइम प्रूव करने के लिए। तो आप आपके लिए जो थ्योरम दे रखी है उसका स्टेट लिख रहे हैं हम, थ्योरम नंबर है ये थर्ड।
थ्योरम नंबर जो थर्ड है ये है, यदि अवयव ए से जनित चक्रीय ग्रुप, यदि अवयव ए से जनित चक्रीय ग्रुप जी का समूहांक स्मॉल एन है तो सिद्ध कीजिए कि एक ही पावर एम भी जी का जनक होगा। यदि और केवल यदि एम एन परस्पर रूढ़ हैं, रूट जैसा कि हमने बताया प्राइम नंबर अर्थात एम एन इज इक्वल टू वन, तो इसका प्रूफ समझेंगे। इसे प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, देखो ए यदि अभी अब ए से जनित चक्रीय ग्रुप जी का समूहांक एन है, मतलब आपको दे रखा है माना जी एक चक्रीय ग्रुप है तथा ए जी का जनक है, एवं ऑर्डर ऑफ जी कितना दे रखा है एन। ऑर्डर ऑफ जी का मतलब है कि जी में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, जो ग्रुप दे रखा है उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं तो वह उसका ऑर्डर कहलाता है उस ग्रुप का। एक और बात, एक थ्योरम होती है किसी भी साइक्लिक ग्रुप के लिए या जैसे चक्रीय ग्रुप कहें उसके लिए, ग्रुप की जितनी कोटि होती है उस अवयव की यानी जनक की भी उतनी कोटि होती है, यानी ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन ही होगा इस स्थिति में। अब देखो हम क्या करेंगे, एक सेट लेकर के चल रहे हैं, माना एच चक्रीय ग्रुप जी का एक उप ग्रुप है, यानी इसमें हम क्या लेकर के चल रहे हैं कि कोई भी सेट है एच वो जी का एक उपग्रुप है और उसका जनक कितना है ए एम। तो देखिए एक और कंडीशन लेकर के चल रहे हैं, माना एच जी का एक उपग्रुप है जिसका जनक एक ही घात एम है। सुनेंगे आप लोगों से जो दे रखा है उसमें लेके क्या चल रहे हैं और प्रूफ क्या करना है। देखो ब्लूम तय है भी करना होगा ना आपको, इसका कन्वर्सली जो है पार्ट वो भी करना होगा। इसमें यदि ए से जनित चक्रीय ग्रुप जी का समूहांक एन है तो ऊपर वाली जो लाइन है वो तो हमने ये लिख दी, ऊपर वाली जो लाइन थी। अब यहां से देखो सिद्ध करना है कि एक ही पावर एम भी जी का जनक होगा यदि ये कंडीशन हो एम और एन परस्पर रूड हो। यानी हम क्या कर रहे हैं, अब पहले रूड लेकर के चलेंगे और एक ही पावर एम को जी का जनक बताएंगे, और एक ही पावर एम को देखो ये जो एक ही घात एम है इसे जी का जनक बताने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि एच जी का उपग्रुप लेके चल रहे हैं और एच का जो जनक है वो एक ही पावर एम है। हम यह मान करके चल रहे हैं कि जो एक ही पावर एम है वह जी का जनक नहीं है, वह एच का जनक है, और एच क्या है जी का एक उपग्रुप है। यानी एच क्या है, एच उपग्रुप है इस जी का, तो हम क्या है एक ही घात एम एच का जनक लेके चल रहे हैं। और जब हम एक ही घात एम को एच का जनक लेकर के चलें और एच सबसेट जी है, एच सबसेट क्या है जी, तो इसे लेकर के अगर हम चलें और अगर ये प्रूव कर दें कि एच बराबर जी है, इसकी हेल्प से अगर हम ये प्रूव कर दें कि H और G दोनों क्या हैं बराबर हैं, तो आप समझ जाइए
कि ए की पावर एम अगर एच का जनक है तो ए की पावर एम फिर जी का भी जनक होगा, किसका जनक होगा, जी का। तो इसके लिए क्या करोगे, क्योंकि एम एन परस्पर अभाज्य हैं, तब यानी एम और एन क्या है, प्राइम नंबर है दोनों ही, तब दो धन पूर्णांक एक्स और वाई आप लोग क्या है धन पूर्णांक भी कह सकते हो और पूर्णांक भी ले सकते हो, तब दो पूर्ण संख्या एक्स कॉमा वाई या तब दो पूर्णांक एक्स कॉमा वाई इस प्रकार होंगे कि एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू वन, ये कंडीशन है। अगर एम और एन परस्पर अभाज्य हो तो ये कंडीशन बनती है एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू वन। अब देखो हम ए की पावर जो वन है, अब ए की पावर जो वन है इसको लिख सकते हो वन, वन की वैल्यू है एम एक्स प्लस एन वाई, एम एक्स प्लस एन वाई इसको अलग अलग करें तो ए की पावर एम एक्स और इनटू में ए की पावर एन वाई, यहां ये बनेगा ए की पावर एम पे एक्स और ए की पावर एन पर वाई। लेकिन एक और बात, जैसा कि हमने बताया ऑर्डर ऑफ जी कितना है, एन है, क्योंकि जी चक्रीय है, जी चक्रीय ग्रुप है तथा ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन है, तो ऑर्डर ऑफ जी है वो ऑर्डर ऑफ ए के बराबर भी होगा, जैसा कि हमने पहले बता दिया आपको, ये थ्योरम है स्टार्टिंग के दूसरे नंबर के चैप्टर में। अच्छा, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन है तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन इसका मतलब हुआ कि ए पे घात अगर एन करें तो ये ई के बराबर आ जाएगा, ए पर अगर एन घात करें तो ई के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ये बन जाएगा ए पे घात एम पे घात एक्स और यहाँ ए एन की जगह लिखेंगे ई, ए एन की जगह ई लिखेंगे, इस पे पावर है भाई, तो ए की पावर एम एक्स और ई पे यानी ई जो तत्समक है, तत्समक पे कितनी भी घात हो तत्समक ही रहता है, तो यह बना ए एम एक्स और तत्समक के साथ इसकी संक्रिया करें तो यही एलिमेंट आएगा ए एम एक्स। अब देखिए ये जो कंडीशंस थी इनको हम यहां से हटा रहे हैं, अब इसमें आप समझेंगे कि ये जो ए एलिमेंट है और यहां जो ए एम है, ए एम देखो H क्या है, H यहां G का उपग्रुप है, H इसमें G का क्या है उपग्रुप है और A की घात mx है वह A के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ ये जो एक A है एलिमेंट वह H का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि G चक्रीय ग्रुप, देखिए जो H है एच जी का एक उपग्रुप है और जिसका जनक एक ही घात एम है, यानी एच का जो जनक है, एच का जो जनक है वह एक ही घात एम है, इसका मतलब हुआ एच में जो भी अवयव होंगे वह एक ही घात करते जाएं, एक ही घात एम है ना, इसके ऊपर घात लगाते ही जाएं, तो इस टाइप के होंगे, यानी ए एम वन, ए एम टू, ए एम थ्री ये सब टाइप के एलिमेंट क्या होंगे एच में होंगे, क्योंकि एक ही पावर एम है वह इस एच का जनक है, तो एच में जो एलिमेंट होंगे वह ए की पावर एम पे वन, ए की पावर एम टू, ए की पावर एम थ्री इस टाइप के होंगे। और अगर इस टाइप के एलिमेंट होंगे, अगर इस टाइप के एलिमेंट होंगे तो देखिए ये भी तो ए की पावर एम पे एक्स, यानी आगे चल करके हो सकता है एक दो तीन ना होकर के आगे चल के कहीं एक्स आ जाए, वाई आ जाए, कुछ भी हो सकता है ना आगे, आगे क्या एक्स वाई, देखो एक्स और वाई क्या है पूर्णांक है, एक्स और वाई क्या पूर्णांक है, पूर्णांक एक्स और वाई की जगह 10, 20, 30 कुछ भी हो सकता है ना, तो आगे चल करके क्या है हो सकता है ए एम पे 10 आ जाए या ए एम पे 20 आ जाए, तो कहने का मतलब ये ए एम पे कितनी भी घात हो, लेकिन ये जो एलिमेंट होगा ए एम पे कितनी भी घात हो, तो इस टाइप के एलिमेंट तो सभी क्या है एच में बिलोंग कर रहे हैं, और अगर ये एच में बिलोंग करेगा तो इसका मतलब हुआ ए एच में बिलोंग कर रहा है,
क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो ए के बराबर है, तो हम यह कह सकते हैं दिस एम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू एच। अतः जैसा कि आपको पता है कि यहाँ जी एक चक्रीय ग्रुप है तथा ए जी का जनक है, यानी ए है वो जी का एलिमेंट है, ए बिलोंग्स टू जी लेके चले और ए बिलोंग्स टू एच आ गया। आप क्या लेकर के चले, ए जी का एलिमेंट लेके चले स्टार्टिंग में और जो ए एलिमेंट है वो एच का आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि जी का तो कोई भी अवयव हो वो सब के सब एच में आएंगे। जब आप स्वेच्छ अवयव लेकर के चले ए, यानी आर्बिट्री एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी लिया और वह बिलोंग कर रहा है एच में, तो हम यह कह सकते हैं कि जी का कोई भी अवयव हो वो सब एच में आएंगे। जैसे ए जी का एलिमेंट लिया तो यहाँ ए एच में आ गया, तो इसका मतलब ए की जगह कोई भी एलिमेंट हो जी का वो भी एच में आएगा। तो इससे तो ये रिजल्ट निकलता है कि जी सबसेट एच होना चाहिए, तब जी सबसेट ऑफ एच होगा। अब देखो यहाँ जैसा कि लिखा हमने कि जी सबसेट ऑफ एच होगा, तो ये भी कह सकते हैं कि एच, दूसरी कंडीशन हम ये भी कह सकते हैं कि एच है वो सबसेट ऑफ जी है, यानी एच जो लिया है एच जी का उपग्रुप ही तो था, किंतु एच सबसेट ऑफ जी है। एच क्या था, जी का उपग्रुप, तो हम कह सकते हैं ना एच सबसेट ऑफ जी है। तो इन दोनों ही कंडीशन से देखिए, यहाँ जी सबसेट एच, यहाँ एच सबसेट जी, तब एच और जी दोनों बराबर होंगे। और जब एच और जी बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो एच का जो जनक ए एम है, एच का जो जनक ए एम है और एच और जी बराबर हो गए, तो ये जो ए एम जो जनक होगा वह जी का भी होगा। तब क्या कह सकते हैं हम, इसीलिए ए की पावर एम जी का भी जनक होगा। अभी देखिए एक पार्ट हुआ है इस थ्योरम का, अभी सेकंड नंबर का जो पार्ट है उसके बारे में बात करें। तो अब की बार हम लेकर के चलेंगे इसमें कि माना, अब की बार हम क्या लेकर के चलेंगे, अब की बार तो हमें ये कंडीशन लानी है। देखिए पहले ये लेके चले एम एन परस्पर अभाज्य हैं, तो दो पूर्णांक हैं एक्स और वाई, इस प्रकार होंगे कि एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू वन। तो पहले इसको लेके चले थे, तो अब की बार इसे सिद्ध करना है, ये कंडीशन सिद्ध कर देंगे, तो हम कह देंगे एम और एन परस्पर अभाज्य हैं। देखो यही सिद्ध करना है ना, एम एन परस्पर अभाज्य हैं और एक ही घात एम है, उसको जी का जनक लेकर के चलेंगे, तो विलोमतः अगर हम ये कहें कि माना एक ही घात एम जी का जनक है, अगर हम यह लेकर के चलें कि जो एक ही घात एम है वह है ग्रुप जी का जनक है, तो हमें सिद्ध करना है कि एम और एन परस्पर अभाज्य हैं। तब हमें सिद्ध करना है कि एम व एन परस्पर अभाज्य हैं, अर्थात इसके लिए हम क्या सिद्ध करेंगे, एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू वन है। अगर एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू वन प्रूव कर देते हैं, तो हम कह देंगे कि एम और एन परस्पर अभाज्य हैं। अब देखो इसमें जैसा कि हमने बताया आप लोगों को कि एक ही घात जो एम है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, तो आप लोग देखेंगे इसमें। अब देखो चक्रीय ग्रुप की बात हो रही है, यहां का हमने ए एम है वह जी का एलिमेंट है और जनक है, ए एम है वह जी का जनक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जी में अवयव ए, ए स्क्वायर, ए क्यू, ए फोर, ए फाइव इस टाइप के एलिमेंट हैं। जी जो सेट है या जी जो ग्रुप है उसमें इस टाइप के एलिमेंट हैं और एक ही पावर एम है वह जी का जनक है। तो इसका तो ये मतलब हुआ, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जाम्पल बताया था
वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू ओमेगा फोर। अगर हम यह कह दें यहां कि ओमेगा स्क्वायर है वो इस जी का जनक है, ओमेगा स्क्वायर इस जी का जनक है, तो देखना अगर हम ओमेगा स्क्वायर जी का जनक लेके चलें तो यह जो ओमेगा है वो कब आएगा, ओमेगा पे घात दो कर दें तो आ जाएगा ना ओमेगा की घात चार बनेगा, ओमेगा के बराबर होगा ना अगर जनक है तो, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर जी का जनक है तो ओमेगा स्क्वायर की पूर्णांक घात करने पर कभी तो ओमेगा आएगा, अरे कभी तो आएगा ओमेगा, जरूरी नहीं है कि पहली बार में ही आ जाए। ओमेगा स्क्वायर पे एक घात करोगे तो नहीं आएगा, ओमेगा स्क्वायर पे दो घात करोगे तो आ जाएगा ना। वैसे ही देखिए क्योंकि ए बिलोंग्स टू जी है तथा ए की पावर एम जी का जनक है, तब ए पे जो एम घात है इस पे कोई भी पूर्णांक एक्स करने पर माना अवयव ए आ जाता है। कितना आता है, ए पर जो ए एम है इस पर कोई भी पूर्णांक एक्स करने पर मान लीजिए एलिमेंट ए आ जाता है। तो ये ए किसका एलिमेंट है, ए जी का एलिमेंट है, ए किसका एलिमेंट है जी का, ठीक है। अब देखो हम ये कह सकते हैं कि ए की घात जो एम एक्स बना, ए की घात जो एम एक्स बना इसके साथ में इंटू ई मान सकते हैं जो कि ए के ही बराबर है, ऐसे लिख सकते हो ए के बराबर है, ए बराबर इसको लेफ्ट में इसको राइट में लिखा, यहां ए की पावर एम एक्स और ई की जगह आप क्या लिख सकते हो, देखिए ए की घात एन इज इक्वल टू ई है ना, क्योंकि ए की कोटि एन है तो इसको लिख सकते हैं ए की घात एन इज इक्वल टू ई, जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया। अब देखो इसमें इस ई की जगह आप लिख सकते हो ई की पावर वाई, तत्समक की तो कितनी भी घात करो तत्समक ही आता है। अब यहां ए की पावर एम एक्स इंटू यहां ई की जगह लिखेंगे ए की पावर एन और इस पे घात रहेगी वाई, तो आप देखेंगे ये बना ए की पावर एम एक्स इंटू ए की पावर एन वाई, आधार समान घातें जुड़ेंगी तो एम एक्स प्लस एन वाई, और ये वैल्यू चल रही है ए के इक्वल तो ए की पावर वन लिख दो या ए लिख दो, तो यहां से वन इज इक्वल टू आया, दिस इंप्लाइज वन इज इक्वल टू बना एम एक्स प्लस एन वाई। तो ये जो कंडीशन आपको लानी थी एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू वन आ गई, तो हम ये कह सकते हैं कि अतः एम तथा एन परस्पर अभाज्य है, अतः एम कॉमा एन परस्पर अभाज्य है। तो आज की इस मीटिंग में इतना ही रहेगा, नेक्स्ट कल की मीटिंग में रखेंगे।